अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर शुजात और आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ मेगा बजट ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, मेरे साथ मेरे साथी एंकर अली नासिर मौजूद हैं। अली, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ, उसके बाद मैं तारुफ़ करवाता हूँ अपने मोज़ज़ मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं अली अमर रहीम साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। अमान गांची साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब मुजम्मिल असलम साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और भी आपके बहुत सारे तारुफ़ हैं, लेकिन अभी यहीं तक महदूद रखते हैं। और आपसे ही मैं अली, मैं मुजम्मिल साहब से पहला सवाल करता हूँ। मुजम्मिल साहब, इकोनॉमिस्ट को ये बड़ी रहती है कि जी बजट आएगा और किस तरह से अवाम को रिलीफ मिलेगा और हो सकता है कुछ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, तो ये परसीव ये किया जा रहा था कि ये जो बजट है इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा अवाम को, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ आया रिलीफ या रिलीफ हो गया बिल्कुल? देखिए, जो इकोनॉमिस्ट है ना वो थोड़ा अकाउंटेंट से डिफरेंट सोचता है और वो कभी भी किसी चीज़ को जो है एक दिन या एक साल के तनाजुर में नहीं देखता। वो उसको हमेशा देखता है कि ये आज जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है उसके आने वाले सालों और आने वाली नस्लों पे क्या इम्पेक्ट है। लेकिन हमारे जितने भी बजट हैं, ये बजट की मैं ख़ास तौर पे सिंगल आउट नहीं करूँगा, जब से मैं कवर कर रहा हूँ 15 साल से, मैंने अनफॉर्चुनेटली ये अप्रोच नहीं देखी। और जो हमारे मुल्क में जो चीफ इकोनॉमिस्ट और ये जो लोग रखे हुए हैं इन्होंने, ये सिर्फ पोस्टों की हद तक रखे हुए हैं, इनका कितना इनपुट है वो आपको भी पता है, या वो कितनी अपनी स्टडीज़ आगे, जैसे FBR है, FBR के पास उनका रिसर्च विंग सिर्फ रिपोर्ट बनाने की हद तक होता है, उनसे कोई इनपुट नहीं लिया जाता कि आया ये टैक्स लगेगा तो इसकी इकोनॉमी में वेलफेयर कितनी होगी, डेट वेट लॉस कितना होगा, आम आदमी को फ़ायदा कितना होगा, ये सारी चीज़ें। तो बजट बनता फिर कहाँ पर? बजट बनता है इस तरीके से कि भाई ये चीज़ पे इतना लगा देंगे तो इतना परसेंट से जो है हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मिसाल देता हूँ, आज से 2 साल पहले किसी ने पट्टी पढ़ा दी कि स्टॉक एक्सचेंज में बोनस शेयर्स इतने आते हैं, अगर आप उस पर टैक्स लगा देंगे तो 60 अरब रुपए का जो है रेवेन्यू आ जाएगा, तो वो उसके बाद से कंपनियों ने बोनस देना ही छोड़ दिया, तो ना वो टैक्स आया ना कुछ हुआ। फिर एक कल खेडेंगे ना खेडन दे, हाँ, कल डार साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि मैं जो हूँ रियल स्टेट वालों का, जो पिछले साल हमने वैल्यूएशन की थी उसमें रियल स्टेट वाले हमसे वादा करके गए थे कि 28 अरब रुपये आपको टैक्स मिल जाएगा अगर आप इस फॉर्मूले से लगा लें, यानी वो बोल के गए, उन्हें 28 अरब की लॉलीपॉप मिली, लालच मिला, उन्होंने वो लगा दिया। इस बजट में उन्होंने कह दिया जी हमने वापस ले लिया, झूठा वादा करके चले गए थे, ये गलत हो गया हमसे। तो इस अच्छा यार, हमें एक ब्रेक लेनी है, इसहाक डार साहब की स्पीच शुरू हो गई है, तो लेते हैं एक ब्रेक और देख जाते हैं इसहाक डार साहब की तरफ क्या फरमा रहे हैं जनाब।